जी इसकी हिस्ट्री के बारे में पहले बताइए, हमको क्या हिस्ट्री है। ये जापान की कंपनी है सर। इसमें लटके हुए पेंडल है। लटके हुए पेंडल क्या होता है, दबाने में बहुत आसान है सर। अब हम आपको आगे बोनट के बारे में बताते हैं। इसमें चार गियर आपको हाई में मिल जाएंगे, चार गियर लो में मिलेंगे, चार रिवर्स में मिल जाएंगे। एक अंगुली सा स्टीयरिंग मुड़ जाता है, डबल एक्टिंग का यही फायदा है। ये डीजल का बताता है, ये आरपीएम बताता है सर, यहाँ पे घंटे बताता है, ये हीटिंग का बताता है। तो सर इसमें बैलेंसर शाफ्ट लगी होती है, जो महंगी महंगी कारों में लगी होती है, जैसे कि उससे क्या होता है, वाइब्रेट नहीं होता ट्रैक्टर। नमस्कार किसान भाइयों, तो आज हमारे साथ कुबोटा का MU4501 ट्रैक्टर है और हमारे साथ सचिन सर जी जुड़े हुए हैं, जो कि गुप्ता ऑटोमोबाइल्स में डेमोस्ट्रेटर पे काम वर्क करते हैं। तो ये आज हमको इस ट्रैक्टर की सारी खूबियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर जी नमस्ते आपको, और सर जी इस ट्रैक्टर के बारे में उनको बताइए क्या क्या फीचर्स है इसके। इसकी हिस्ट्री के बारे में पहले बताइए हमको क्या हिस्ट्री है। ये जापान की कंपनी है सर। जापान में ओसाका शहर है, वहाँ बनती है, मतलब ये बनती है। और ओसाका शहर में जो ऑनर थे कुबोटा के, उनका नाम, उनका सिरनेम से ये कुबोटा चल रहा है। सिरनेम था उनका कुबोटा, जो है उनका सिरनेम था। यहाँ इंडिया में अपने कुबोटा कहते हैं इसे। अच्छा, और आपको आगे जानकारी देते हैं सर। ये 5 साल ईयर वारंटी क्या मतलब इसका, 5 साल या 5000 घंटे। अच्छा, जो आ जाए पहले जो उसकी वारंटी है। ये वारंटी हाइड्रोलिक, गियर बक्सा, इंजन, ब्रेक, ब्रेक टैक्सल, इतनी चीज़ों की इसकी वारंटी है। और ट्रैक्टर में कोई मेन चीज़ है नहीं सर। MU4501 है। MU का मतलब जो है सारे कामों में सक्षम, मल्टी यूज। हाँ, मल्टी यूज है, सारे काम करता है ये सर। ट्रैक्टर 45 HP का है जी, 4 पिस्टन में है। और आगे आगे बताते हैं सर, ये पेट्रोल शिफ्ट क्या होता है, ये OIB, बेड डिस्क क्या है, पावर स्टेरिंग। ये ब्रेक ऑयल में डूबे हुए ब्रेक है इसके। अच्छा, ऑयल में डूबे हुए ब्रेक। और ये पावर स्टेरिंग है इसमें। पावर स्टेरिंग तो है, डबल एक्टिंग पावर स्टेरिंग है इसमें। डबल एक्टिंग पावर स्टेरिंग है। इतना भारी फ्रंट एक्सल किसी 45 ट्रैक्टर में नहीं आता सर। जी सर। और इसको कभी आप जीवन में फोर व्हील कराना चाहते हो जी, तो ये फोर व्हील भी हो जाएगा। यहाँ से सिस्टम पूरा दे रखा है, केवल आपका फ्रंट एक्सल चेंज करके जी फोर व्हील कर देंगे। अगर फ्रंट एक्सल के कभी बुश कट जाते हैं आपके, तो बुश खरादी के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में जेक लगा के बुश डाल के लगा दो, इसमें कोई खराबी का काम नहीं है सर। इसमें लटके हुए पेंडल हैं। लटके हुए पेंडल क्या होता है, दबाने में बहुत आसान होता है। ये देखो, हाँ से दबा देता है। अन्य कंपनियों में क्या होता है, नीचे से आते हैं, उसमें बड़े बड़े स्प्रिंग लगे होते हैं। बड़े बड़े स्प्रिंग लगे होने के कारण किसान जब दबाता है पैर से, दर्द करता है पैर, ताकत लगती है जब उस पर स्प्रिंग को दबाने के लिए। इसमें कोई स्प्रिंग नहीं होता, हाथ से दबता है सर। अब हम आपको आगे बोनट के बारे में बताते हैं। आ जाइए, दिखाइए इसको। बोनट को ओपन करने का कोई ताकत लगाने का ज़रूरत नहीं, सिंगल पीस में बोनट ओपन होता है। इसको खींचना है बोनट अपने आप ऊपर, हाइड्रोलिक प्रेशर पंप लगा हुआ है इसमें जी, अपने आप ऊपर चला जाता है। देखो जी, इसमें जानते हैं एक साइड की ही बैटरी देते हैं कुबोटा में जी, 12 वोल्टेज की है, एक साइड की बैटरी देते हैं। ये रहा इसका कूलेंट, इतना रहना चाहिए सर इसमें और इतना ही रहता है। ये सूखा फिल्टर है इसका, साफ करने में दिक्कत नहीं आती। ये देखिए, 2 पीस है। और इसको क्या है, हवा मारनी पड़ती है, हवा मार के बस साफ हो जाता है। इसको टायर पे नहीं पटकना है, चप्पल जूता से नहीं साफ करना है। बहुत ही इसका कोई मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, किसान भाई अपने आप भी साफ कर सकता है इसको। हाँ, और ये रेडिएटर, रेडिएटर की जाली है। रेडिएटर मतलब जो है, जो छोटा बड़ा कचड़ा होता है वो पहले इसमें फंस जाता है, रेडिएटर में जाता ही नहीं। रेडिएटर बिल्कुल साफ रहता है। तो ये होगी रेडिएटर की जाली, काफ़ी बड़ा रेडिएटर लगा हुआ है। पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, अपने आप कूलेंट ले लेता है, अपने आप इसी में हो जाता है। अल्टरनेटर का देखिए, अल्टरनेटर में अन्य कंपनियों में क्या होता है, बाहर को पंखे टाइप में लगे होंगे, इतने छोटे छोटे पंखुड़ी। अभी मान लो कहीं भी कुछ, कभी कभी बेल्ट खींचनी पड़ती, बैटरी डाउन हो जाती है, तो क्या होता है, पंखा इसमें वो है नहीं सिस्टम, इसके अंदर ही दिया हुआ है। अच्छा, कवर है पूरा। हाँ, कवर है पूरा, इसके अंदर दिया है, कैसे भी बेल्ट खींचो दबने की ना करो। दिया है इतना, ये बुलेट की बैटरी से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा,
ये बुलेट की बैटरी, अगर ओरिजिनल बुलेट की बैटरी है तो उससे स्टार्ट हो जाएगा। टायर इसका साइज है 14x28 का सर। अच्छा 14x28 का। और अगला है 750/16 का, अगला टायर है 750/16 का। इतनी मजबूती किसी ट्रैक्टर में नहीं आती। ये देखिए ये सबसे चौड़े हैं, हर कंपनी से मेडिगार्ड चौड़ा है। अच्छा हाँ, इतनी मजबूती 45 हॉर्स पावर का किसी ट्रैक्टर में नहीं आती। इसमें सर जंजीर दी हुई है, बहुत आसानी से खुलती है। ये देखिए ये पट्टी, इसमें भी बहुत लंबी आती है 45 में। इसमें गैर ऑयल पड़ता है 45 लीटर। हाँ 45 लीटर इसमें गैर ऑयल पड़ता है। और सर चेक कैसे करते हैं कि कितना कम हो गया हमारा? यहाँ से चेक करते हैं। अच्छा कितना होना चाहिए? ये 2 पॉइंट तक होना चाहिए। 2 पॉइंट तक होना चाहिए। 2 पॉइंट से कम होता है तो हमें जरूरत है। हाँ हाँ ऑयल की जरूरत है, डालना है। ये उसका है पीटीओ मोटी खांच का है, मोटी खांच का है। और ये आप रात में अगर जा रहे हैं, रेडियम दे रखा है, पीछे से लाइट लगती है। हाँ। कभी आपके इंडिकेटर वगैरह नहीं काम कर रहे हैं तो ये सुरक्षा के लिए, ये टॉपलिंग है सर, ये टॉपलिंग है। और इसमें 3 खांचे दिए हुए हैं जी। तो इसमें चलाते हैं रोटावेटर, इसमें चलाते हैं हैरो, उठाने वाली हैरो, नीचे चलाते हैं कल्टीवेटर। जितने घुस के ज़मीन में चलने वाले यंत्र हैं वो इसमें चलाते हैं सर। अच्छा नीचे लगा हुआ है सेंसर, सेंसर से चलता है। अब ये है पीटीओ का गियर, इसमें 750/540। अच्छा तो इसमें 750 में हल्के काम के लिए, जैसे बोरिंग से पानी निकालना। हाँ। और प्लस में अल्टरनेटर, ये सारी चीज़ मतलब इसमें चला सकते हो। अगर पानी वाला आपने सिस्टम इस पर लगा के चला दिया, ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है, केवल 750 पे लगा दिया ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है, एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं लेना, ऐसे चलता रहे। और 750 पे इस पर 540 पे रोटावेटर चलाते हैं। अच्छा। हैवी काम करते हैं 540 पे, 540 पे हैवी काम करते हैं 2200 की RPM पे जाता है। ये इसमें वो दिया है टॉपलिंग है, इसको सेट कर सकते हैं, ऊँचा नीचा कर सकते हैं इसको सेट करने के लिए। आप बाकी इधर मजबूती देख लीजिए सर, मजबूती तो बहुत अच्छी है कुबोटा की, अन ट्रैक्टर में ऐसी मजबूती नहीं मिले किसान भाइयों। यहाँ हिच लगती है सर, इसमें हिच लगती है सर, हैच भी लगती है इसमें। किसान भाइयों ट्रैक्टर आप देख रहे कितना मजबूती में है, और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर है इसके अंदर जो आपको अभी और बता रहे हैं हम। आइए दिखाते हैं आपको। असली साइड गियर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बात तो इसमें सिंक्रोमैक्स गेयर बॉक्स है। सिंक्रोमैक्स गेयर बॉक्स का क्या काम होता है, आप अगर टॉप में जा रहे हो, टॉप से पहले में आ जाओ, कोई आवाज़ नहीं है सर, बिना ब्रेक दाबे टॉप से पहले से टॉप में आप चले जाओ। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, कोई आवाज़ नहीं। ये डिफरेंशियल लॉक है। डिफरेंशियल लॉक का क्या काम होता है, एक टायर कीचड़ में फंस जाता है और एक टायर काम करता है कीचड़ में, एक टायर नहीं करता। इसको आप दाबने से दोनों टायर सेम काम करेंगे। आपको एक टायर की ब्रेक नहीं लगानी है, स्टेयरिंग सीधा रखना है। ये डिफरेंशियल लॉक हो गया। पहले आते थे ट्रैक्टरों में, जो पुराने ज़माने के ट्रैक्टर थे उनमें आते थे, अभी भी कुबोटा में आता है। ये हाइड्रोलिक लॉक है, इससे हाइड्रोलिक को लॉक कर सकते हैं, चाहे नीचे डाल के चाहे ऊपर डाल के। आप खेत में छोड़ के चले जाओ, हाइड्रोलिक नीचे डाल के लॉक कर दो, कोई ले जा नहीं सकता आपका ट्रैक्टर। मेडिगार्ड के बीच में देखिए कितनी जगह है, साफ सफाई करने में कभी ट्रैक्टर फंस जाता है, बांस बल्ली बांधने के लिए बहुत जगह दे रखी है। असली साइड गियर क्या होता है ये दिखाते हैं आपको। अन्य कंपनी के ट्रैक्टर में क्या होता है, यहाँ से सरिया उठा के यहाँ से मोड़ के बस असली साइड गियर कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ से होता है लट्टू, वहाँ से सरिया टेढ़ी करके साइड गियर करते हैं। असली साइड गियर ये होता है सर, ये देखिए यहाँ से ये है असली साइड गियर। ये हाइड्रोलिक फिल्टर है, हाइड्रोलिक फिल्टर तीसरी सर्विस पे चेंज होता है। ये प्लेट को खोल के बस तीसरी सर्विस पे चेंज होता है। ऑयल में डूबी हुई ब्रेक है, दबाने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं, हाथ से दबा दो। मैं आपको एक उंगली से दबा के इसको दिखा सकता हूँ, अभी दिखाऊंगा। ये एक्सीलेटर का पैंडल है, एक्सीलेटर का, और ये हाथ वाला एक्सीलेटर है सर। ये फाइबर में है इतना, और ये तीन में है। ये फाइबर की टंकी है इसकी, ये फाइबर की टंकी। जो डीजल की टंकी है सर कितने लीटर की है? 60 लीटर की है। और कितना माइलेज सर मिलता है, कितना माइलेज मिल जाता है इस ट्रैक्टर में डालने के किसान को? अगर
एक टंकी फुल कलारी दी है तो पूरा दिन चलेगा, पूरा दिन चलेगा। और तेल की बचत कितनी हो जाती है कुबोटा में अन ट्रैक्टरों की अपेक्षा? अन्य कंपनियों से 20% कम खाता है, ये दावा है 20% कम खाता है। आप डेमो ले सकते हो इसका, डेमो में अगर कम खाता है 20% किसी अन्य कंपनी से काम ज़्यादा करता है तो आप मेरा ट्रैक्टर ले लीजिए। डीजल फिल्टर के बारे में बताइए। ये डीजल फिल्टर है, ये लाल वाला, ये देख रहे हैं निशान जी, इसमें जब कचरा या पानी आ जाता है तब इस वाले पे ये आ जाता है, इसको बस यहाँ से ढीला करना है, खोल देना है, ये देखो पानी निकल रहा है जी, ये देखो पानी निकल रहा है, पानी निकल जाएगा, इसको आप टाइट कर दीजिए, टाइट करने के बाद में पानी इसका निकल जाएगा, कचरा बाहर हो जाए। इतने बड़े फिल्टर किसी में नहीं आते हैं, किसी ट्रैक्टर में इतने बड़े फिल्टर नहीं आते हैं, डीजल फिल्टर है। इधर गियर वाल है, गियर वाल अन्य कंपनियों में क्या होता है, पंप चलानी पड़ती है आपको, पंप चलानी पड़ती है, पंप जो पंप क्या है देखा होगा आप लोगों ने, पंप ऐसे ऐसे चलाते हैं, पंप जब काम नहीं करता है तब उसको रिंच से खोलते हैं, रिंच से खोलते हैं, फिर डीजल किसान का बर्बाद होता है। इसमें क्या है, डीजल नहीं बर्बाद होगा, ये बस छोटा सा स्विच लगाए, इसको आप ऐसे करके ढीला करेंगे, एयर निकल जाएगी, एक दो बार एक्सीलेट करने के बाद में बंद कर दें इसको। ये सर चार पिस्टन में, ये देखिए चार पिस्टन में है, चार पिस्टन में, ये यहाँ से इसका इंजन ऑयल पड़ता है जी 7 लीटर 6 पॉइंट, ये मोबिल फिल्टर है सर जी। ये खांचे क्यों बने, खांचे ना बने हो तभी तो किसान चढ़ जाएगा। ये खांचे इसलिए बने हैं, ये ट्रैक्टर चलता है खेत में जी, और किसान क्या होता है पैर मिट्टी में होता है, पानी में होता है, और ये होता है चिकना, लोहा जो होता है चिकना, इसीलिए खांचे बने हुए हैं। इस पर जब चढ़ता है किसान तो पैर स्लिप कम होता है, ये पैर स्लिप कम होता है। ये रबड़ का मैट पड़ा हुआ है इस पर, कभी कभी क्या होता है तार नीचे होते हैं, इसमें सारा मान लो यहाँ पे फाइबर ही है, ये सीट भी फाइबर की, स्टेयरिंग भी फाइबर का, ये भी फाइबर का, ये भी, कभी कभी तार लग जाते हैं करंट वाले हाँ। तो एक तो उससे बचने के लिए फ़ायदा, अच्छा ठीक है जी, कभी करंट ही नहीं लगेगा। ड्राइवर क्या करता है, सीट पे बैठा होता है, स्टेयरिंग पकड़ा होता है, पैर इस पे होते हैं तो करंट भी नहीं लगने का। और आइए ऊपर आपको दिखाते हैं, इसमें चार गियर आपको हाई में मिल जाएंगे, चार गियर लो में मिलेंगे, चार रिवर्स में मिल जाएंगे। और ये इधर से आपको एक्सचेंज करना है, इधर से आपने लगा दिया हाई, इधर पहला दूसरा कोई भी लगा सकते हो, इधर का मान लो तीसरा लगा हुआ है, इधर आपने लो लगा दिया तो लो के तीसरे में जाएगा, लो हटा के बैक लगा दिया, बैक में चला जाएगा तीसरे में। इधर से आपको एक्सचेंज करना है, इधर ट्रैक्टर को जैसा चाहिए फिर वैसा घेर देंगे जी। और ये है पीटीओ का क्लेचर, ये पीटीओ, ये अगर पड़ा होगा आपका तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। अन्य कंपनियों में क्या होता है, इसी में पीटीओ भी क्लच होता है, इसमें भी इसी में पीटीओ क्लच होता है, पीटीओ क्लच इसी में होता है, तो किसान चलाता है भीड़ भाड़ में पूरे क्लच दबता है, पूरा क्लच दबता है तो खर्चा दोनों में बढ़ता है, खर्चा दोनों में बढ़ता है, अगर एक क्लच खराब होगा दोनों का काम होगा। इसमें क्या है सर, आप अगर इसे यूज करेंगे तो यही गड़बड़ होगा, और आप इसे यूज करेंगे तो यही गड़बड़, इसे आप जब तक ट्रैक्टर जिंदा रहे, ट्रैक्टर ख़त्म हो जाए, इसे तब तक आप यूज ना करें, वो ये क्लच वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसका क्लच ही अलग है, ये क्लच अलग है, इसको आप आगे कर देंगे तो चल जाएगा, पीछे कर देंगे बंद हो जाएगा, और अगर ये पड़ा भी रहेगा तो स्टार्ट नहीं होगा, हाई लो अगर पड़ा रहा तब भी नहीं स्टार्ट होगा। इधर और इधर सारे गियर इसमें न्यूट्रल होने चाहिए। और आइए आपको ऊपर दिखाते हैं, आपको सर आइए डिशबोर्ड दिखाते हैं, ये तो हो गया इसका स्टेयरिंग, इस पर लोबो मिल जाता है कुबोटा का, स्टार्ट होने पर ही चलेगा, बाकी लॉक है, इतना प्ले होता है, नया ट्रैक्टर है इतना तो प्ले होता है, स्टार्ट होने के बाद ही एकदम नॉर्मल घूमता है। आइए आपको इसके डिशबोर्ड के बारे में बताता हूँ, ये यहाँ पे ये बैटरी बताता है सर, यहाँ डीजल बताता है, यहाँ पे आरपीएम बताता है, 2500 लगभग आरपीएम इसका उठता है, यहाँ घंटे बताता है, और यहाँ बताता है जी हीटिंग का, यहाँ जब ट्रैक्टर हीट होता है उसका बताता है, ये हॉर्न है, और यहाँ चारों इंडिकेटर हैं सर, ये हाई लो लाइट है, ये वाला लेफ्ट राइट के लिए है, और ये इसका हैंड ब्रेक तो बहुत ईजी है, ये हैंड ब्रेक ब्रेक दबाया ऐसे ऐसे लगाया ऐसे कर दिया हट गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हट गया, हैंड ब्रेक बहुत ईजी है।
इसका जो सीट है बहुत आसानी से आगे पीछे होता है। ये देखो एक बटन लगा हुआ है, इसको उठाने से बस आगे पीछे हो सकता है। गेपिंग बहुत ज़्यादा है, आराम से जा रहे हो आप, एक दो बोरी खाद का भी रख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसा जिसका साइज है, जितना लंबा आदमी वैसे इसको चला सकता है, छोटा भी कितना हो जितने छोटे भी चला सकते। तो सर इसमें बैलेंसर शाफ्ट लगी होती है जो महंगी महंगी कारों में लगी होती है, जैसे कि उससे क्या होता है वाइब्रेट नहीं होता ट्रैक्टर। किसान जो है अन्य कंपनी के ट्रैक्टर में क्या होता है इतना मतलब धड़कन होती है ट्रैक्टरों में, बहुत जल्दी थक जाता है। एक तो लटके हुए पैंडल की वजह से थकता है पैर, दूसरा ट्रैक्टर भड़बड़ा के दिमाग को पागल कर देता है, सिर में दर्द होने लगता है। इसमें लगा हुआ है बैलेंसर शाफ्ट, अभी मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाऊंगा। बैलेंसर शाफ्ट जो है वाइब्रेट नहीं करता है जी। अगर अन्य कंपनी का ट्रैक्टर किसान चला रहा है 2 घंटे तो इसे चलाएगा 3-4 घंटे। तो आइए मैं आपको इसका टेस्ट कराता हूँ। ये सर देखिए पानी रखा हुआ है, अभी इंजन स्टार्ट होगा, इसका वाइब्रेशन टेस्ट होगा, देखिएगा सर आप किसान भाई हो। चाबी से बंद है किसान भाई देख, ये होता है बैलेंसर शाफ्ट का फायदा, इससे किसान जल्दी नहीं थकता है, काम ज़्यादा करता है। जब काम ज़्यादा करेगा एक तो डीजल की बचत, फिर प्लस काम ज़्यादा करेगा जी। तो सर हम इसकी कटिंग दिखाते हैं कितनी ज़्यादा इसमें कटिंग आती है। 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा इसमें कटिंग है, एक उंगली से स्टीयरिंग मुड़ जाता है। डबल एक्टिंग का यही फायदा है। अन्य कंपनियों के ट्रैक्टर में क्या होता है, एक सिंगल सिरोड देते हैं प्रेशर के नाम पे, एक तरफ काटो के आवाज़ करेगा, एक तरफ काटो के नॉर्मल कटेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सिंक्रोमैक्स गेयरबॉक्स के बारे में बताते हैं। तो आ जाइए आप ऊपर, आपको रोड पे चला के दिखाते हैं कैसे ये काम। ये चौथे से पहले में आ जाएगा गियर और आवाज़ भी नहीं करेगा, देखिए चौथे से पहले में आ गया और पहले से चौथे में चला गया, लेकिन आवाज़ बिल्कुल ही नहीं किया। यही सिंक्रोमैक्स गियर की पहचान होती है कि आवाज़ नहीं करता है। और अभी इसको हम बैठ के भी दिखाएंगे आपको। ये बताइए कुबोटा का MU 4501 जो ट्रैक्टर है, इसका इंजन कितने सीसी का है? 2434 CC का है इंजन। कीमत कितनी है इसकी? 7,85,000। अच्छा, और सर जी आपका एड्रेस क्या है, बता सकते हैं हमारे किसान भाइयों को? बिल्कुल बताएंगे जी, बताइए। ये कुबोटा ऑटो गुप्ता मोबाइल जी, शाहजहाँपुर रोड हरदोई। तो किसान भाइयों ये कुबोटा का MU 4501 के बारे में पूरा जानकारी था जो सचिन सर ने हमको दिया। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको जानकारी दी। और सर जी किसान भाइयों को एड्रेस हम बता रहे हैं कि ये शाहजहाँपुर रोड चौपासागर के पास में कुबोटा का गुप्ता ऑटोमोबाइल एजेंसी है, यहाँ पर आप आके ट्रैक्टर ले सकते हैं और जो भी इसका डिस्काउंट होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा किसान भाइयों। तो आप ज़रूर आइए और कुबोटा का ट्रैक्टर जरूर परचेज करिए। तो सर जी बहुत बहुत थैंक यू, और किसान भाइयों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते।